हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया को जो एक रियल दीपावली गिफ्ट मिली है उसके बारे में। वो क्या है? कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल चुकी है वर्ल्ड फोरम पे कि वो अब किसी भी कंट्री में अप्रूवल के लिए किया जा सकता है, बिकॉज WHO ने इसे अप्रूवल दिया है गारंटी के साथ। हम जानेंगे कि आखिरकार इस गारंटी के बाद क्या कोवैक्सीन सारे कंट्रीज द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी, कोवैक्सीन के फंक्शंस क्या है, और स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है, और ये स्पेशली COP26 मोदी जी की जो समिट हुई है उसके बाद ही क्यों हुआ है इटली में। तो इन सब को जानने के साथ आइए बढ़ते हैं, और आप आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास अच्छे से अच्छे वीडियो आते रहे। आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक ट्वीट है WHO के द्वारा, जहां पे WHO ने ये बोला है कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय, जो भारत ने जो कोवैक्सीन डेवलप की है वो वैक्सीन प्रिवेंट करती है COVID-19 को। ओके, यहाँ पे देखिए क्लियरली उन्होंने लिखा प्रिवेंट करती है COVID-19 को, और यूएन हेल्थ बॉडी ने इसे ट्वीट करते हुए ये बोला है कि वो गारंटी देते हैं, इट इज गारंटेड। यहाँ पे देख लीजिए, अब गारंटेड वर्ड लिखा हुआ उन्होंने पर्टिकुलरली, और लिखने के साथ ये बोला है इमरजेंसी यूज के लिए आराम से इसे यूज किया जा सकता है। तो इस न्यूज के आने के बाद अब इंडियन नागरिकों, बिजनेसमैन, अगर कोई भी बाहर जा रहा है तो उसे 14 डेज के क्वारंटाइन, जो कि स्पेशली इंग्लैंड ने कुछ दिन पहले लगाए थे, और उसके बाद कुछ अदर कंट्रीज भी थी जैसे कि US भी हमें रोकती थी। बाद में उन्होंने इंडिया ने जब टिट फॉर टैट एक्शन दिखाया, मीन्स इंडिया ने बोला कि अगर आप रोकोगे तो हम भी आपके लोगों को यहाँ पे 15 डेज का क्वारंटाइन रखेंगे, तब उन्होंने तुरंत अलाउ कर दिया था। बट फिर भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम थी आफ्टर WHO अप्रूवल। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि आखिरकार ये इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट है और WHO की टीम ने इसे कैसे रिकमेंड किया, किस टेक्निकल बेसिस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल टीम ऑफ WHO ने जो है, आप इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं ऊपर ऊपर आपको बता रहा हूँ, उन्होंने WHO एडवाइजरी ग्रुप जो है उन्होंने रिकमेंड किया है इमरजेंसी यूज के लिए भारत बायोटेक कोवैक्सीन को। अब ये डिसीजन जो है इंटरनेशनल लेवल पे है, किसी एक कंट्री का नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का डिसीजन है। अब इंडिया इसके वजह से एक्सपोर्ट भी कर सकता है इंडिजीनियस वैक्सीन, जो कि इंडिया का इंडिजीनियस वैक्सीन है, हम जानते हैं इसे पुणे और एक्चुअली हमारी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर बनाया है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे हमारी साइंटिस्ट की मान्यता भी बढ़ेगी दैट वो कैपेबल है किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए। अब देखिए कोवैक्सीन वो है क्या, कोविड 19 को डील करने के लिए ये वायरल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मीन्स इसके अंदर वायरस जो होती है वो डेड स्थिति में होती है, यानी कि वो मरी हुई होती है, जो कि SARS-CoV-2 सिम्टम्स को डेवलप करती है। और इसे बनाया था किसने, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड NIV जो है पुणे के इंस्टीट्यूट, उन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो है एक्चुअली 26 अक्टूबर को मिली थी, और उन्होंने ये डिटेल्स मांगा था। जब डिटेल्स मांगने के बाद उन्होंने पाया 77.8% ये इफेक्टिवनेस दिखाता है। ये दोस्तों कोई और नहीं, WHO की टीम बोल रही है, अगर कोई वैक्सीन WHO के द्वारा 77% ऑफ इफेक्टिवनेस दिखा रहा है, मींस वो हाईली इफेक्टिव है। बिकॉज अगर किसी नॉर्मल वैक्सीन को आप लो और वो 60% भी इफेक्टिवनेस दिखाती है तो उसे यूज के लिए मना आया था। आप चाइना की वैक्सीन तो जानते ही हो, उन्होंने 55-60% ही अपना इफेक्टिवनेस दिखाया है, और चाइना की चीजों की तरह चाइनीज वैक्सीन भी होती है जो कि कई लोगों के असर नहीं हो रही, वो अभी बूस्टर डोज पे बूस्टर डोज ले जा रहे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो इंडिया की 77.8% है, इसीलिए WHO इसे गारंटी के साथ बोल रहा है कि आप इसे यूज कर सकते हो, ये आपके लिए लाभदारी होगा। ठीक है, तो इसके साथ 65.2% जो है प्रोटेक्शन ये देता है न्यू डेल्टा वेरिएंट को, जो कि आपने UK में देखा था फैला था, जो कि बोल रहे थे इंडिया से आया है, और ये अदर जो वेरिएंट होंगे उसके लिए भी काम के लिए साबित होगा अगर रिसर्च बाद में हुआ तो, उनका ये भी कहना है। और ये फेज 3 ट्रायल में उन्होंने किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा उन्होंने 1 या 2 में नहीं किया था। अगर आप किसी से सुन रहे हो तो आप ये जान लें कि फेज 3 ट्रायल के बाद ये सक्सेसफुल हुआ है, इसीलिए इसे इतना टाइम लगा है। आप इसमें देख सकते हैं आखिरकार ये कोवैक्सीन है क्या। कोवैक्सीन का मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं ताकि आप कहीं पे लिखना हो या बोलना हो तो आप सही से बोल पाए। होल वायरल इनएक्टिवेटेड वायरस सेल, ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आती है होल वायरल इनएक्टिवेटेड वायरस सेल, एक्चुअली ये टर्म डिराइव किया गया था प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का, बिकॉज ये जो है एक्चुअल में वायरस सेल के ऊपर इनएक्ट करता है। अब ये जो आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन दिख रही है ये मैंने कोवैक्सीन की वेबसाइट से जाके ली है, उनके जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहां से। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती है वो रिप्लिकेट नहीं करती है
पूरी तरह, इसीलिए वो रिवर्ट और कॉज पैथोजन इफेक्ट्स आप पे नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी डेड वायरस को अपने अंदर डाल रहे हो तो वो एक्चुअली ये नहीं होगा कि वो आपके अंदर फिर से जाग जाएगा, वो बस आपके इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी जो टी सेल्स है उसको बताएगा कि आपको इस वायरस से लड़ना है, और आसानी से फिर वो समझ जाएगा कि अगर ये वायरस अंदर आता है तो उसे हमें भगा के निकाल देना। आप जानते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में टी सेल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून के लिए लड़ते हैं, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड और जो खराब वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ रही है तो टी सेल्स उसे मार के भगा देता है। सो इसीलिए वो इनकैपेबल होगा, वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज वो डेड वायरस होगा आपके अंदर, और इस तरह से इम्यून सिस्टम आपकी बने रहेगी और वो डिफेंसिव एक्शन भी ले पाएगा। तो आप इसे क्लियरली समझ गए होंगे, जब अगर वो कोविड जो सार्स कोविड 2 का उन्होंने लिया है, लेने के बाद अगर ये वायरस आपके बॉडी पे अटैक करता है तो अटैक करने के बाद वो आपको पूरी तरह से वो आपके अंदर नहीं जा पाएगा बिकॉज वो डेड होता है पहला तो, और दूसरा जब वो अंदर जाएगा तो टी सेल्स उसे निकाल के भगा देगा और उसे ये आइडिया भी लग जाएगा ये एक प्रकार का वायरस है, उसे शरीर के अंदर नहीं रहने देना है। अब देखिए अदर वैक्सीन से भी ये न्यूज आपको मिलेगा दैट भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के साथ एस्ट्राजेनिका जो है एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो कोविशील्ड के लिए तैयार किया था और जो वाइडली यूज वैक्सीन है इंडिया में, ये तीनों दोस्तों, तो ये सारी की सारी वैक्सीन भी एक्चुअली इंडिया में बन रही है। अब इस न्यूज को इस तरह से हमें देखना होगा कि WHO ने अभी तक कोविड 19 वैक्सीन के लिए पेजिफर बायोटेक एस्ट्राजेनिका एसक्यू बायोसीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बनाई थी, जॉनसन एंड जॉनसन का हो गया, मॉडर्ना हो गया, सिनोफार्म हो गया, इमरजेंसी के लिए नहीं यूज किया। और याद रखिएगा जॉनसन जॉनसन मॉडर्ना एंड सिनोफार्म सिंगल डोज ही लेना है, इसके लिए डबल डोज नहीं है, बाकी सारे वैक्सीन के लिए डबल डोज है। ओके, और ये हमें स्ट्रेटेजिकली इसलिए देखना होगा बिकॉज आपने पहले देखा था कि जो यूरोपियन वैक्सीन है उनको बहुत ही जल्दी अथॉरिटी मिल गई, जब इंडियन वैक्सीन भी 77.8% सक्षम थी तो उससे अप्रूवल क्यों नहीं मिली, बिकॉज उन्हें, आप खुद सोचिए, जब वैक्सीन बिकते हैं तो उससे उन्हें रॉयल्टी मिलती है और उनके लिए इकोनॉमी बनती है, सो वो इकोनॉमी वो पहले किसी और को देना नहीं चाहते थे, तो इसलिए वहां पे मोनोपोली चल रही थी। बट आफ्टर ने जब मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जाकर के G20 समिट में WHO के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस जो हैं उनके साथ जाकर के बातें की, और बातें करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप देखिए अच्छे से क्या इसे जल्दी अप्रूवल मिल सकती है तो जल्दी दीजिए। तो इसके बाद इंडिया का स्टेचर यहां से दिखता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड लेवल पे कितनी ज्यादा हो चुकी है और इंडिया की बातें अब मानी जा रही है दोस्तों। तो अब हमें यह देखना होगा इससे हमारी अचीवमेंट्स क्या क्या है, हमारी इससे बहुत सारी अचीवमेंट होती है। पहली तो जो कंपटीशन विद चाइना थी वैक्सीन के लिए वो हम उसमें आगे निकल जाएंगे बिकॉज अगर इंडियन वैक्सीन जा सकेंगे, तो आपने रिसेंट में देखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था कि अब इंडिया 5 बिलियन वैक्सीन बना सकती है एवरी डे के हिसाब से, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और अगर इंडिया ऐसे प्रोड्यूस कर सकती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड को वैक्सीन प्रोवाइड कर पाएगी जिसकी वजह से काफी जाने बचाई जा सकती है। अब इसके बाद देखिए इंडियन बिजनेसमैन और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या फिर US जा रहे हो आसानी से जा सकते हैं क्योंकि अदर कंट्रीज को WHO के अप्रूवल के बाद अब इन्हें वीजा क्लियर करना होगा बहुत ही आसानी से और उन्हें अप्रूवल देना होगा कोवैक्सीन को। एक्चुअली हमारी जो रिसेंट में हमने देखा था कि हमारी 100 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीन ले चुकी है तो अब वो आसानी से किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। इंडिया का जो बिजनेस है मेडिकल सेक्टर में वो इम्प्रूव होगा, आप खुद सोचिए जब हमारी वैक्सीन अलग अलग कंट्रीज खरीदेंगी तो इससे हमें कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। और सबसे लास्ट दोस्तों चौथी, हमारे साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने इसके लिए बहुत ही मेहनत की है इस वैक्सीन को बनाने के लिए, उनका भी नाम इम्प्रूव होगा। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको मेरी वीडियो और उसकी नॉलेज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपके पास लाता रहूँ।